हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। सम स्पेसिफिक एंगल को पहले डिफाइन करते हैं, किसका किसका हमें देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये 0 डिग्री का देखना है, 30 डिग्री का और 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। ये जो हमारे सम स्पेसिफिक एंगल यही हैं क्या, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इनके केस में हमको क्या देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब 0 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या आएगी, 30 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या आएगी, 45 पे क्या आएगी, 60 पे एंड 90 पे, 1 बाई 1 करके हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। सबसे पहले हम किसको लेके चलेंगे, सबसे पहला हम देख लेंगे कि 45 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। जैसा कि हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम किसका यूज करते थे, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे भी ये ले लिए कि ए बी सी हमारा क्या बन गया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, ये मानते हैं कि हमारा एंगल, लेट एंगल ए बी 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है, ये 45, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 45। जब दो एंगल इक्वल है तो इसके सामने की साइड और इसके सामने की साइड दोनों इक्वल हो जाएंगी, दैट मीन्स यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ए बी इक्वल टू बी सी। ए बी इक्वल टू क्या हो गया, बी सी। अब इसको करेंगे क्या कि इसको अब लेट कर लेंगे, अब ये इसको हम रफ कर दे रहे हैं। चलिए ठीक, अब करेंगे कि लेट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए। हम मान लीजिए कि इसकी लेंथ क्या ले, ए है, ए बी इक्वल टू ए, बी सी इक्वल टू ए। ठीक है, इसकी लेंथ हम क्या ले लिए, ए ए। अब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताना है, तो हमेशा जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते थे पिछली एक्सरसाइज में, तो हमेशा पहले राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे अब निकालेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अंडर रूट टू, ये हो गया ए अंडर रूट टू। अब 1 बाई 1 देखते हैं। अब चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ किसका, साइन 45 डिग्री, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपान क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर, अब यहाँ से 45 के लिए ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस, और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, ए। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है, तो ये आ गई वैल्यू 1/√2। तो यहाँ से निकल के आया कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 1/√2। ठीक, अब इसके बाद से साइन के बाद से हम चेक करते हैं किसका, कॉस 45 का। तो कॉस 45 फार्मूला क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूस, बेस अपान हाइपोटेन्यूस। तो बेस, बेस क्या है, यहाँ पे ए है, बेस की वैल्यू क्या है, ए है, और हाइपोटेन्यूस क्या है, ये सेम चीज़। तो यहाँ पे भी क्या आ गई, 1/√2 वैल्यू। तो कास 45 की भी वैल्यू क्या हो गई, 1/√2। अब 1 बाई 1 देखते हैं, टाइम 45 परपेंडिकुलर अपान क्या हो जाएगा, ये बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, ए, और बेस भी क्या है, ये ए। तो टेन 45 की वैल्यू क्या आ गई, हमारी 1 आ गई। अब साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट कोसेक, कोसेक 45 डिग्री, अपोजिट मतलब √2/1 = √2। तो कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, √2। अब कास का अपोजिट क्या होता है, सेक, तो सेक 45 डिग्री, √2/1 = √2। अब इसके बाद से टैन 45 का अपोजिट क्या होता है, कॉट 45, कॉट 45 मतलब क्या हो जाएगा, 1/1, इसका मतलब ये 1।
ये हमारे जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कितने होते हैं 6, सबकी वैल्यू आगे इन रिस्पेक्ट ऑफ कितने डिग्री के, 40 डिग्री का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी लेंथ चाहे जितनी, देखो इसका मतलब ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10, 20, 40, 50, और ए की वैल्यू होगी। और हमेशा जब इसका हम रेशियो निकालेंगे, जब एंगल इसके बीच का क्या बने 45 डिग्री, हमेशा जब भी देखेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ए की वैल्यू 1000, 10000, 20000, 1 लाख जो भी लें वही वैल्यू क्या हो जाएगी बी सी की। और इस केस में हमेशा जो साइन 45 का रेशियो आएगा वो हमेशा क्या होगा, 1/√2 cos 45 का 1/√2 tan 45 का 1, और cosec से कैसे 1/1 का हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब चलिए अब देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ, चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब चलिए देखते हैं कि इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक क्या बनाएंगे, एक इक्विलेटरल ट्रेंगल ले लेते हैं। कौन सा एक ट्रेंगल, इक्विलेटरल ट्रेंगल ए बी सी। अब ए बी सी कौन सा ट्रेंगल है, इक्विलेटरल ट्रेंगल। अब इक्विलेटरल ट्रेंगल यहाँ पे करेंगे क्या कि लेट ए बी इक्वल टू 2a, इसकी लेंथ हम क्या ले लिए 2a, तो यहाँ से बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a, और ए सी इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 2a, ये 2a इसकी लेंथ हो गई। और जाए और ये क्या है इक्विलेटरल ट्रेंगल है, तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री होगा ये, और ये भी क्या होगा, होगा 60 डिग्री। अब इसमें एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, ड्रा परपेंडिकुलर, ड्रा परपेंडिकुलर ए डी ऑन इसके बी सी। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि एक ऐसे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए ए डी इस पे बी सी पे। जैसे ही हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ तक की हमारी लेंथ हो गई ए, और यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ क्या हो जाएगी ए। अब चलिए अब यहाँ पे देखिए, और ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा अब 30 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि हमने क्या ले लिया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये दो सिमिलर ट्रायंगल मिल जाएंगे, ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, और ये ट्रायंगल ए डी सी, दोनों क्या हो जाएंगे कांग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक, अब चलिए अब इनकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू 1/1 निकालते हैं। अब चलिए देखते हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। फर्स्ट वेसिंग व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीन्यूस। अब ये है तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या हो जाएगा, ये बी डी अपॉन, अब कौन सा ट्रेंगल लिया है, इन राइट एंगल ट्रेंगल ए बी डी। अब जो हम ट्रेंगल देके चल रहे हैं, हमारा ये ट्रेंगल है ट्रेंगल ए बी और डी। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी डी अपॉन ए बी, बी डी की लेंथ क्या है ए है, और ए बी की लेंथ क्या है 2a, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब इसके बाद से चलते हैं कॉस 30, तो फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा ए डी, ए डी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है ए बी, और हमारे ए डी की वैल्यू। अब यहाँ पे ए डी की वैल्यू हम पहले अब फाइंड आउट कर लेते हैं कि ए डी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ निकाल लीजिए कि ये ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, क्योंकि ये कौन सा ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है, तो ए सी स्क्वायर तो 2a का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया 3a स्क्वायर, तो
यहाँ से इसका मतलब ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अंडर रूट थ्री। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ गई इसकी, ए अंडर रूट थ्री। अब वैल्यू पुट कर लेंगे, ए डी की वैल्यू आ गई हमारी ए अंडर रूट थ्री अपान ए बी की वैल्यू क्या है टू है, ऐसे ए कट गया तो इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट थ्री बाई टू कास थर्टी। कास थर्टी के पास अब हम वैल्यू देखेंगे किसकी, टेन थर्टी की। टेन थर्टी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है बी डी और बेस क्या है यहाँ पे ए डी। बी डी मीन्स बी डी की वैल्यू क्या है ए, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है बेस, बेस की वैल्यू क्या है ए अंडर रूट थ्री, ए से कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया वन अपॉन रूट थ्री। अब वन बाई वन, अब साइन का अपोजिट कॉस ए थर्टी, और कॉस ए थर्टी मतलब जस्ट इसका अपोजिट टू बाई वन मतलब वन। कॉस का अपोजिट सेक, सेक थर्टी इसका अपोजिट तो टू अपॉन अंडर रूट थ्री, और इसके बाद से टेन थर्टी, टेन नहीं काट थर्टी। अब इसकी वैल्यू देखते हैं, काट थर्टी, काट थर्टी किसका अपोजिट होगा टेन थर्टी का, टी हो जाएगा रूट थ्री। टी हमारे जो सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशियोज किसके निकल के आ गए, थर्टी के केस में। पास द वीडियो आई एम नोटेड डाउन। इसके बाद से हम देखते हैं कि सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है। अब वन बाई वन देखते चलेंगे, अब किसके लिए, सिक्सटी डिग्री के लिए। अब जैसे चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ किसका, इसके बाद से बारी आती है 60 डिग्री की। तो अब चलिए साइन 60 डिग्री। अब देखिए साइन 60, साइन 60 के केस में ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या ए डी, और बेस क्या हो जाएगा बी सी। तो इस केस में परपेंडिकुलर को हम ए डी लेंगे और बेस क्या हो जाएगा ये। तो चलिए इसका फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर बोले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डी, और हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पे ए बी, क्योंकि हम 60 का केस ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा ए अंडर रूट थ्री अपॉन टू, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी अंडर रूट थ्री बाई टू साइन थर्ड, साइन 60 की वैल्यू। और इसके बाद से कॉस 60, कॉस 60 क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे ए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, ए अपॉन और फिर क्या ले लेंगे ये टू है, हाइपोटेन्यूस है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी वन बाई टू कॉस 60। इसके बाद से टेन 60 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख लेंगे ए अंडर रूट थ्री अपॉन बेस की वैल्यू क्या है ए, ए से कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट थ्री। अब साइन का अपोजिट कोसेक, तो कोसेक 60 क्या हो जाएगा टू अपॉन अंडर रूट थ्री। कास का अपोजिट सेक, तो सेक 60 की वैल्यू टू अपॉन वन इक्वल टू टू। टैन का अपोजिट काट, तो काट 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी वन अपॉन अंडर रूट थ्री। ये सारे सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके केस में हो गए, 30 और 60 डिग्री के केस में। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब इसके बाद से हम क्या बच गया हमारा 0 डिग्री, और फिर क्या बचा है 90 डिग्री। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री को भी हम वन बाई वन दे देंगे। चलिए अब लिखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। तो इसको भी समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि एक हम राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे। क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी। ठीक, अब देखिए हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखने के लिए, अब 0 डिग्री तो इसका मतलब हमको ये कितने डिग्री का बनाना होगा, 0 डिग्री का। बट ये 0 डिग्री तो है नहीं, अब 0 डिग्री करने के लिए करेंगे क्या, अब इसको हम समझते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है 60 डिग्री है, अगर हम इसको 60 डिग्री से रिड्यूस करेंगे तो इसका मतलब ये इस साइड को हम ऐसे ले आएंगे, मान लीजिए इसको रिड्यूस कर दिए
ये हमारा एंगल क्या हो गया 30 डिग्री। तो जैसे ही हमने 30 डिग्री को रिड्यूस किया, ये साइड इतनी कम हो गई, तो साइड BC की भी लेंथ क्या होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है। मान लीजिए अब क्या ले लें हम यहाँ पे, ये कितने डिग्री का ले लें, 15 डिग्री का। तो इसका मतलब ये साइड क्या होती है, रिड्यूस हो रही है। ये यहाँ पे अब BC ये गायब हो गया, BC की लेंथ क्या हो गई और कम हो गई। अब यहाँ पे C आके ये शिफ्ट हो गया, और ये भी देख रहे हैं कि AC भी क्या होता जा रहा है कम। AC की लेंथ यहाँ पे इतनी थी, यहाँ पे इतनी थी, और फिर यहाँ पे लेंथ। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम एंगल कम कर रहे हैं, BC की लेंथ भी डिक्रीज कर रही है और AC की लेंथ भी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। दोनों की लेंथ क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अब एक स्टेज ऐसा आएगा जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा, दैट मीन्स ये AB, ये क्या था हमारा AB, 0 डिग्री के लिए क्या होगा, एकदम से ये ऐसे कुछ एकदम इसी पे क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। दिख रहा है ना, 60 पे यहाँ था, 30 पे ये, 15 पे ये, तो 0 डिग्री पे ये आके इसी पे क्या कर जाएगी, लाइन ओवरलैप हो जाएगी। मतलब B की जगह पे क्या हो जाएगा, C। तो यहाँ से क्या हमारा निकल के आएगा कि AB इक्वल टू AC, इस केस में AB इक्वल टू AC हो जाएगा। और इसके बाद से BC क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू 0। इस केस में BC क्या हो जाएगा, 0, गेट्स टू वेरी क्लोज टू 0। BC को ये भी लिख सकते हैं, गेट्स टू वेरी क्लोज टू 0। ओके, अब ये डायग्राम इसको हम रफली ऐसे बना लेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक। अब चलिए, अब यहाँ से हमको निकल के आ गया ये। अब 1 by 1 देखते हैं 0 डिग्री के केस में। अब लिखिए साइन 0 डिग्री, साइन 0 मतलब परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। अब इस केस में हमारा ये परपेंडिकुलर क्या था, ए बी सी था, और हाइपोटेन्यूस क्या था, ए सी था। अब 1 by 1 वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए बी सी की वैल्यू क्या आ चुकी है, 0। यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे 0, क्योंकि बी सी इक्वल टू क्या हो गया है, 0, और अपान परपेंडिकुलर अपान क्या ले लेंगे, हाई, और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस ए सी। तो किसी भी चीज़ में अगर 0 से ये डिवाइड किया जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। तो साइन 0 क्या हो गया, 0। साइन 0 के बाद से अब वैल्यू देखेंगे कॉस 0, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूस। बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बेस क्या है यहाँ पे, ए बी, ए बी, ए बी अपान, ए बी अपान क्या लिखेंगे, ए बी अपान हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी। यहाँ से देखिए ए बी इक्वल टू हमारा क्या है, ए सी है, दैट मीन्स इसको ये भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया है 1, क्योंकि ए बी इक्वल टू हम क्या फाइंड आउट कर चुके हैं, ए सी। तो कास 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1। कास 0 के बाद फिर हम लिखेंगे टैन 0, टैन 0 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। अब यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या था, बी सी, और बेस क्या था हमारा, अपान ए बी, बी सी अपान क्या था, ए बी था। इट इज़ क्लियर, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, बेस। तो हम क्या ले लिए, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बी सी, और अपान क्या हो गया, ए बी। तो इसका मतलब बी सी की वैल्यू क्या हो गई, 0, और ए बी की वैल्यू क्या हो गई, ये ए बी, तब भी ये भी क्या हो गया, 0। तो टैन 0 क्या हो गया, 0। अब 1 by 1 देखेंगे, साइन का अपोजिट कोसेक 0, कोसेक 0, 1/0, तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटी या अनडिफाइंड, ठीक। अब कोसेक का अपोजिट क्या होता है, सेक, सेक 0 क्या हो जाएगा, सेक 0, 1/1, सेक 0। टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, कॉट 0, 1/0, इन्फिनिटी या ये अनडिफाइंड। ये 0 के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने देखा। इसके बाद से अब आते हैं हम किस पे, 90 डिग्री पे। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए लास्ट में देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री
90 डिग्री के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, इसके लिए भी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या किए, कंसीडर कर लिए। ये हमारा हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी। ठीक, अब देखिए केस किसका बताना है, 90 डिग्री का, इसका मतलब हमको ए को क्या करना है, 90 डिग्री बनाना है, बट ये 90 डिग्री तो है नहीं। अब इसको बाय कंस्ट्रक्शन हम 90 डिग्री कैसे बनाएंगे समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए करेंगे क्या कि सबसे पहला स्टेप जो ए है, ए को मान लीजिए हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे और ये एंगल हम ऐसे बना लें। ठीक, ये एंगल क्या होगा, अगर ये यहाँ पे 60 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 65 डिग्री, और ये हमारा ये इरेज कर दिया ए को। अब क्या कि ए को हम ला के यहाँ पे शिफ्ट करेंगे ऐसे ऐसे, यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा और ये एंगल क्या हो जाएगा 70 डिग्री। ऐसे हम ए को ऐसे शिफ्ट करते चले जाएंगे, मान लीजिए कि 80 डिग्री है, ऐसे ये एंगल बढ़ता चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 85 डिग्री, और एक स्टेज ऐसा आएगा कि हमारा जो है ये सारा इरेज होता चला जाएगा और ये पूरा जो है ए सी किस पे प्रोजेक्ट हो जाएगा, बी सी पे। तो यहाँ से हमको निकल के क्या आएगा कि ए सी इक्वल टू बी सी, देख रहे हैं यहाँ पे जो ए सी की लेंथ है स्टेप बाय स्टेप घटती चली जा रही है, और एक स्टेज ऐसा आया कि ए सी और बी सी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगी, और ए बी की लेंथ यहाँ पे हम क्या लिख देंगे जीरो। यहाँ पे ए बी को क्या लिख सकते हैं जीरो, इसी को लिखते हैं गेट्स टू वेरी क्लोज टू जीरो, ए बी गेट्स टू वेरी क्लोज टू जीरो। ये रहा हमारा पूरा इसको समझने के लिए कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे जो एंगल प्रोजेक्ट होकर कितने डिग्री का बन जाएगा 90 डिग्री का। अब वन बाय वन साइन 90 डिग्री, साइन 90 इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है बी सी, हाइपोटेन्यूस क्या है ए सी। अब वन बाई वन यहाँ पे वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। अब देखिए बी सी को हम बी सी रहने दें, और बी सी और अपान क्या है ए सी है, बी सी इक्वल टू क्या है ए सी है, ये बी सी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा साइन 90 इक्वल टू क्या आ गया 1 डिग्री। साइन 90 के बाद से अब हम बात करेंगे कॉस 90, तो ये क्या हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ पे बेस क्या है ए बी, और हाइपोटेन्यूस क्या था यहाँ पे ए सी, और ए बी की वैल्यू क्या लेके आए हैं जीरो, तो जीरो अपॉन ए सी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कॉस 90 क्या हो जाएगा जीरो। अब यहाँ से फिर बारी आती है किसकी, अब देखते हैं टेन नाइन्टी तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाता है बेस, परपेंडिकुलर क्या है बी सी, बेस क्या है हमारा ए बी, तो बी सी अपॉन ए बी की लेंथ क्या है जीरो। इसी को बोलते हैं हम नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड जो भी बोल दो, या फिर इसको बोलते हैं इन्फिनिटी, इसको क्या बोलते हैं इन्फिनिटी। ओके चलिए, अब इसके बाद से अब जस्ट इसका अपोजिट देखते चले जाएंगे। साइन का अपोजिट कोसेक, तो कोसेक 90 ये क्या हो जाएगा 1 क्योंकि साइन 90 है। कास का अपोजिट सेक, तो सेक 90 की वैल्यू ये 0 है, तो 1/0 ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। और इसके बाद से टैन का अपोजिट क्या होता है कॉट, तो कॉट 90 इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 1/∞ ये हो जाएगा 0। ठीक, ये हमारी वैल्यूज आ गई सबकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर किसका 90 डिग्री का। 1 स्टेप बाय स्टेप हमने सबका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखा कि कैसे 0 की वैल्यू आती है, कैसे 30 की वैल्यू आती है, कैसे 45 की वैल्यू आती है, कैसे 60 की आती है, कैसे 90 की। अब इसको याद करने के लिए अब हम शॉर्टकट ट्रिक अपनाएंगे और इसको एक टेबल के फॉर्म में चेंज करेंगे। ओके चलिए देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप सम स्पेसिफिक एंगल्स, सम स्पेसिफिक एंगल मतलब क्या हो जाता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, देन 90 डिग्री, इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब साइन कॉस टेन
फिर इन सब का अपोजिट सबकी वन बाय वन वैल्यू देखेंगे कि क्या होगी। जैसे साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 क्या होगा, साइन 45, साइन 60, साइन 90, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करेंगे। और जो इसको देखेंगे कि हमें इसे कैसे लर्न करना है, तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट मेथड देखेंगे, टेबुलर फॉर्म देखेंगे। जैसे कि इतनी सारी वैल्यूज़ को एक टेबल में हम कंस्ट्रक्ट कर दें और वो हमें क्या हो जाए, लर्न हो जाए। तो चलिए अब इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। इसके लिए क्या करें, सबसे पहले एक टेबल कंस्ट्रक्ट करिए। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये हमारा ऐसे बन गया। ठीक, फिर हम इसको ये, चलिए यहाँ पे क्या ले लिए हम, एंगल ए, और ये ले लिए यहाँ पे टी रेशियोज। ठीक, अब एंगल ए सबसे पहले 0 डिग्री, 0 के बाद 30 डिग्री, 30, नेक्स्ट 45 डिग्री, नेक्स्ट 60 डिग्री, और नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री। ओके, अब टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पहले साइन, फिर साइन के बाद से क्या आएगा, कॉस, टैन का स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम किसकी हेल्प से समझने की करेंगे, जीरो की, साइन, साइन के केस में। तो सबसे पहले करेंगे क्या, 0, 1, 2, 3 और 4, ऐसे हम 0 से लेकर 4 तक की क्या कर दिए, काउंटिंग कर लिख दिए। और सारे को हम करेंगे क्या कि 4 से डिवाइड कर लेंगे। इतने से डिवाइड किए, अपन इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 4 से डिवाइड किए, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/4, और ये क्या हो जाएगा, 1/2, ये आ गया 3/4, और ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। जैसे ये वैल्यूज आई, अब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे क्या, सबका हम अंडर रूट ले लेंगे। ऐसे सबका हम क्या ले लेंगे, अंडर रूट। अब अंडर रूट में इसकी वैल्यू ले लिए और इसकी क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आई 0, इसकी वैल्यू क्या आई, 1/2, 4 का करेंगे तो अंडर रूट क्या आएगा, 2, और ये आ जाएगा 1/√2, और ये आ जाएगा √3/2, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। कि हमारी जो भी वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई, साइन 0, 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 = 1। ठीक, करें क्या, सबसे पहले हमने लिखा 0, 1, 2, 3, 4 तक की काउंटिंग लिख लिए। इसके बाद से वन स्टेप बाय स्टेप क्या किया, 4 से डिवाइड किए। जो भी रिजल्टेंट आया उसका क्या ले लिया, अंडर रूट ले लिए। वही जो रिजल्टेंट होता है वो साइन की वैल्यू होती है, साइन रेशियोज की वैल्यू हो जाती है। साइन 0, 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 ये क्या हो गया, √3/2, और साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई, 1। अब चलिए अब इसको साफ कर देते हैं और वैल्यू यहाँ पे क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। ये पूरा जो भी हमने आपको बताया, पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन। अब ये हमारी जो वैल्यू आ गई, साइन 0, 0, इसकी वैल्यू क्या आई, 1/2, ये क्या आ गई, 1/√2, और ये वैल्यू आई √3/2, और ये वैल्यू क्या आई थी, 1। अब इसको हम रफ कर देंगे। ठीक, ओके, अब इसके बाद से ये ऐसे हमने लाइन क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, साइन के बाद नेक्स्ट कहाँ पे आएंगे, कॉस के, कॉस के लिए क्या करेंगे आप, फिर ऐसे। और कॉस के केस में क्या होता है, ये रिवर्स हो जाता है, जो ये 1 था, 1 आके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। √3 को यहाँ पे ये लिख लेंगे, √3/2, ये 1/√2, ये क्या हो जाएगा, 1/2। अरे बात समझ में, पूरी जो इसकी शिफ्टिंग ऐसे रिवर्स कर देंगे, 1 0 पे आ जाएगा, √3/2 साइड ये, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये कॉस की। कॉस के बाद से नेक्स्ट किसकी बारी आती है, टैन की। और टैन, टैन के केस में क्या होता है, टैन इक्वल टू क्या होता है, टैन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, 1/1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0/1, 0,
अब यहाँ पे देखिए, वन अपॉन टू डिवाइडेड बाई रूट थ्री बाई टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टू अपॉन अंडर रूट थ्री करके, ये क्या आ जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट थ्री, इसको डिवाइड करेंगे सेम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई वन बाई टू, तो अंडर रूट थ्री बाई टू इंटू, तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू, रूट थ्री, और ये इन्फिनिटी अनडिफाइंड, ये साइन कॉस टेन का। ओके, अब चलिए वैल्यू हम किसकी देखेंगे, टेन का अपोजिट हमारा क्या होता है, कॉट, तो वन अपॉन जीरो, इसका अपोजिट ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका अपोजिट रूट थ्री हो जाएगा, इसका वन हो जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट थ्री, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये वैल्यू किसकी हो गई, कॉट की। कॉट के बाद से अब देखते हैं हम कॉसेक का, देख लेते हैं कॉसेक, कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का। अब देखिए, इसका अपोजिट वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो मतलब इन्फिनिटी, इसका अपोजिट टू, और इसका अपोजिट अंडर रूट टू, इसका अपोजिट टू अपॉन अंडर रूट थ्री, और इसका अपोजिट वन। और नेक्स्ट हमारी बारी किसकी आती है, अब नेक्स्ट हमारा जो है, अब नेक्स्ट स्टेप हम किसका देखेंगे, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, 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 वन का अपोजिट वन, इसका अपोजिट टू अपॉन अंडर रूट थ्री, इसका अपोजिट अंडर रूट टू, और इसका टू, और इसका इन्फिनिटी। ठीक हो गया, मेरे हम लोग का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक एक टेबल बन जाती है, इसका शॉर्टकट ट्रिक था, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें साइन को समझना था, साइन के लिए करें क्या, जीरो से फोर तक की काउंटिंग करके सबको फोर से डिवाइड किए, जो भी रिजल्टेंट आया उसका हमने क्या किया, अंडर रूट लिया, तो इस तरीके से हमें साइन की वैल्यू मिल गई। साइन की जैसे भी मैं वैल्यू मिली, फिर कॉस का निकालने के लिए क्या करें, उसको रिवर्स कर देते हैं और बाकी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसको। ये हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ये पूरी लाइफ हमारे काम आने वाली है, चाहे एलेवेंथ करें, टेंथ करें, ट्वेल्थ करें, आगे कंपटीशंस की तैयारी करें, हमेशा ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमें काम आएगी। चलिए इसको लर्न करिए, और विश यू ऑल द बेस्ट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।